कंगना रनौत और फिल्मफेयर के बीच जंग शुरू हो गई है। दरअसल कंगना ने कहा था वो अवार्ड शो में नॉमिनेट होने और इनवाइट किए जाने के लिए फिल्मफेयर पर मुकदमा दर्ज करेंगी। कंगना के आरोपों के चलते फिल्मफेयर ने अब उनका नॉमिनेशन ही रद्द कर दिया है। मैगजीन ने एक्ट्रेस के आरोपों को झूठा बताते हुए ये कहा कि हम उन्हें कोई भी अवार्ड नहीं दे रहे थे। साथ ही फिल्मफेयर ने यह दावा किया उन्होंने कंगना को किसी परफॉर्मेंस के लिए भी नहीं कहा था। आपको बता दें कंगना को उनकी फिल्म थलाइवी के लिए बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस के अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था। इस पर कंगना नाराज थी। एक्ट्रेस का कहना था कि वो इस अवार्ड शो का हिस्सा बनना ही नहीं चाहती हैं। इसके बावजूद उन्हें कॉल करके परेशान किया जा रहा है जिसके चलते वो फिल्मफेयर पर मुकदमा दर्ज करने का मन बना रही हैं। कंगना के इस कदम के बाद फिल्मफेयर ने एक बयान जारी किया। इसमें उन्होंने कहा अवार्ड नियमों के मुताबिक फिल्मफेयर के संपादक ने कंगना को बेस्ट एक्ट्रेस इन अ लीडिंग रोल के नॉमिनेशन के बारे में जानकारी दी थी और शो का इनविटेशन भेजने के लिए उनका पता पूछा था। इतना ही नहीं फिल्मफेयर ने सोशल मीडिया पर अपने इन्विटेशन की कॉपी भी शेयर की जिसमें कंगना को अवार्ड नॉमिनेशन की बधाई दी गई। साथ ही 30 अगस्त को अवार्ड शो इवेंट में आने का इन्विटेशन दिया गया। एक्ट्रेस से उनका पता मांगा गया था ताकि उन्हें शो के लिए इन्विटेशन भेजा जा सके। फिल्मफेयर ने कहा कहीं पर भी कंगना को अवार्ड देने या इवेंट में परफॉर्म करने के लिए कोई रिक्वेस्ट नहीं की गई। एक्ट्रेस के ऐसे बयानों को देखते हुए उनका नॉमिनेशन रद्द कर दिया गया है। फिल्मफेयर ने कहा कंगना की गैर जिम्मेदाराना कमेंट के बाद हम फिल्म थलाइवी के लिए उनका नॉमिनेशन वापस लेते हैं। इतना ही नहीं अगर कोई कानूनी कार्रवाई होती है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। वहीं नॉमिनेशन वापस लेने के बाद कंगना ने फिल्मफेयर को टैग करते हुए कोर्ट में मिलने की बात कही है। एक्ट्रेस ने कहा वो इतनी आसानी से चुप नहीं बैठेंगे और फिल्मफेयर पर लीगल एक्शन लेंगे।